सोच रहा हूं कि करबला में एक तरफ पानी का दरिया रमा था और दूसरी तरफ प्यास ही प्यास थी। और हैरानगी की बात तो यह है कि जो पानी पीते रहे वो मर गए और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं। भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन हैं, सेहरा है करबला तो समंदर हुसैन है, और खुशबू पयामे हक की सारे जहान में, और गुलजार मुस्तफा के गुले तर हुसैन है। और कृष्ण बिहारी नूर फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान आना चाहते थे, हम भी उन्हें यहां बुलाना चाहते थे। अगर वो यहां आ जाते तो यहां की धरती धन्य हो जाती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जिससे इंसानियत को जिंदा रहने की ताकत दी। मैं समझता हूं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानी नहीं दी होती तो दुनिया के हालात बहुत ज्यादा बदतर होते, जिसका अंदाज लगाना मुश्किल है। आज दुनिया में जो इंसानियत और भाईचारे की झलक दिख जाती है, उसकी बहुत बड़ी वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की